हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। रोज रात 9 बजे साथी आपकी ये जीके की क्लास शुरू की है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेंट हो या फिर अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जहां भी जीके अच्छी खासी संख्या में आती है और घूम घूम के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए क्लास बढ़िया है। पेन कॉपी लेकर आराम से बैठो, मस्त तैयारी करो बिना किसी समस्या के। तो शुरू करते हैं। सब लोग पेन कॉपी लेकर जरूर बैठ रहे, बिना पेन कॉपी के इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। तुम सोचो कि केवल लिखने और केवल देखने से काम चल जाएगा, तो ये कोई फिल्म नहीं है कि आपको केवल इसमें देखने से काम चलेगा। सुनना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो ध्यान से लिखिएगा। चलो, प्रश्न है सत्रीय नृत्य शैली। 15वीं 16वीं शताब्दी में सत्रीय नृत्य शैली किसने शुरू की थी? सबसे पहले सोचो, सत्रीय शास्त्रीय नृत्य है। अभी सबसे लास्ट में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता दी है, जो कि असम राज्य से संबंध रखता है। असम राज्य से संगीत नाटक अकादमी, याद रखिएगा इस बात को, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है? 8। सत्रीय असम, मणिपुरी या जागोई कह देते हैं, जो कि मणिपुर की हो जाती है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी या जागोई। ऐसे ही साथी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों हो जाते हैं केरल के। कथकली और मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। 1, 2, 3, 3, 6 कथक आ जाता अपना उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश। 7 कौन सा बच गया इनमें से? ओडिसी, ये हो जाता है ओडिशा का। ओडिसी कहां का भैया? ओडिसी। इस प्रकार ये 8 शास्त्र नृत्य है। अच्छे से याद रखिएगा, सत्रीय असम का है। और इस नृत्य शैली की शुरुआत महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, कदम्ब स्कूल ऑफ डांस, ये भारत में शास्त्रीय नृत्य सिखाने वाले जो संस्थान है, इनकी स्थापना, बहुत सारे जो पद्मश्री या पद्म भूषण विजेता होते हैं वो इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना कर देते हैं। तो वही पूछा, कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। इन्हें साथी इस नृत्य के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। अब एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो, कि पहले जो बिरजू महाराज, शोभना नारायण मेन मेन पूछता था, अब जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है उनमें से किसी के बारे में पूछ लेता है, पद्मश्री मिला हो पद्म भूषण मिला हो। तो याद रखिएगा, कुमुदनी लाखिया जो है ये कथक नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना है। इन्होंने कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की है। कुमुदनी लाखिया कथक से संबंधित है, अहमदाबाद में इनका स्कूल है। दूसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, कासे कुमुदनी कासे कथक। चलिए, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध कलाकार भजन सोपोरी, इनका निधन हो गया है। देखिए, सरोद की बात करें तो अलाउद्दीन खान, नोट कर लेना, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, सरोद से। भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, दोनों संतूर से।
तितर से हो जाते रविशंकर, रविशंकर अनुष्का शंकर, बुधादित्य मुखर्जी, बुधादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, बुधादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी इत्यादि, ये सब किससे संबंधित है? ये साथी सितार से संबंधित है। तो अच्छे से याद रखिएगा, संतूर से भजन सोपोरी संबंधित थे। तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। चौथे पर आ जाते हैं, केरल में वार्षिक नौका दौड़ का संबंध किससे है? केरल में वार्षिक नौका दौड़ का संबंध किससे है? केरल में वार्षिक नौका दौड़ का संबंध किससे? वार्षिक की बात चल रही है। देखिए पोंगल, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। यह भी एक फसल कटाई उत्सव है, मकर संक्रांति। उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना में नव वर्ष को कहते हैं। याद रखिएगा, ओणम जो है ये लगभग 10 दिन मनाया जाता है। ओणम कितने दिन मनाया जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, ओणम लगभग 10 दिन मनाया जाता है। और ये इसी में जो वेम्बनाद झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाद झील में ही कई बोट रेस भी होती है, जैसे नेहरू बोट रेस, नौका दौड़ होती है। तो ओणम के समय पर, ओणम भी याद रखिएगा, यह भी फसल कटाई उत्सव है। चौथे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ओणम कितने दिन मनाया जाता है। ये संस्कृति वाला जो टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में संस्कृति टॉपिक है, दिल्ली पुलिस में भी, पैट में भी, जनरल अवेयरनेस कॉमन एकदम। चौथे का उत्तर डी। पांचवा, शब्द मेन कैडिंग ये किससे संबंधित है? मेन कैडिंग किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित मेन कैडिंग है? इसमें क्या होता है कि ये तो मान लो स्ट्राइक एंड है और ये साथी नॉन स्ट्राइक एंड है। तो जब बॉलर बॉल करता है तो आप जानते हैं क्रीज के अंदर से करेगा, वरना नो बॉल हो जाएगी। तो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्लेयर होता है, वो बॉल फेंकने से पहले, एक्शन कंप्लीट होने से पहले वो इससे बाहर निकल जाता है और जो ये बॉलर होता है ये इसे आउट कर देता है। इसी को मेन कैडिंग करना कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। पांचवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। छठा, ट्रेन टू पाकिस्तान इस उपन्यास के लेखक कौन है? ये उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। ट्रेन टू पाकिस्तान, देखिए आर के नारायण मालगुड़ी डेज, चेतन भगत तो आप बहुत ही परिचित है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, ये सब। विक्रम सेठ अनसुटेबल बॉय इस उपन्यास के अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। मालगुड़ी डेज आर के नारायण, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। प्रश्न संख्या छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा है, फर्स्ट सीजीआई। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? सभी बताइए लिखकर, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा, 33+1 CJI, कुल मिला के 34। रिटायरमेंट एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की? 65 वर्ष, यह रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। 65 वर्ष ये रिटायरमेंट एज है। और जजों की कुल संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, 34 होती है, 33+1 चीफ जस्टिस। पहले थे एच जे कानिया,
वर्तमान में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी, याद रखिएगा, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर। सातवीं में बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, एच जे कानिया। क्या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की कोई न्यूनतम आयु होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की कोई न्यूनतम आयु होती है? यस या नो करके उत्तर दीजिए। आप कहोगे सर कोई भी न्यूनतम आयु नहीं होती, और वर्तमान कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी। सातवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। आठवां, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? निमोनिया, निमोनिया कैसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, जो वायरस के कारण भी हो सकती है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, वायरस के कारण भी हो सकती है, फंगस इत्यादि के कारण भी हो सकती है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, एस राधा कृष्णन जी का बर्थडे, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ये बर्थडे होता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। आठवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, आठवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। धमेख स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? धमेख स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ध्यान से, ये कई अलग अलग स्तूप है। जैसे आप देखोगे बिहार में केसरिया स्तूप, बिहार में केसरिया स्तूप, समझे, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, धमेख चौखंडी, ये जो स्तूप है धमेख और चौखंडी, ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। इसी तरह रामाभर स्तूप भी है, घोषित राम स्तूप भी है उत्तर प्रदेश में, घोषित राम, धमेख चौखंडी रामाभर घोषित राम, ये उत्तर प्रदेश में स्थित स्तूप है। नौवे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, नौवे का उत्तर साथी सी आपका बिल्कुल सही है। दसवें पर आ जाते हैं, सलार जंग म्यूजियम ये कहां पर स्थित है? सलार जंग म्यूजियम ये कहां पर स्थित है? सलार जंग म्यूजियम ये कहां पर स्थित है बताइए? ये जहां पर स्थित है उसी शहर में मक्का मस्जिद भी स्थित है, उसी शहर में चार मीनार भी स्थित है। ये शहर मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है, यहीं पर चौमोहल्ला महल, चौमोहल्ला महल, यहीं पर फलकनुमा महल स्थित है, फलकनुमा महल, यहीं पर हिमायत सागर झील, उस्मान सागर झील, ये यहीं पर स्थित है। इसी शहर के पास गोलकुंडा का किला है। इस शहर की स्थापना 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई। किसकी बात कर रहे हैं? हैदराबाद शहर की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, सलार जंग म्यूजियम यह हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग म्यूजियम कहां पर स्थित है भाई? हैदराबाद में स्थित है। सी आपका बिल्कुल सही है। यह पर्यटन स्थल वाले टॉपिक से आता है, म्यूजियम वाले टॉपिक से आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, ये बताइए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा है। इसी में आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान पूछ सकता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दलहन शोध संस्थान कहां पर है? दलहन शोध संस्थान कहां पर है बताइए? गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? गन्ना प्रजनन, ये शोध संस्थान, अगर अच्छे से सिलेबस कभी जिंदगी में उठा के देखोगे तो दिखेगा कि शोध संस्थान अनुसंधान संस्थान सिलेबस में आपके। अगर भारतीय चावल की बात आ जाए,
याद रखिएगा हैदराबाद, और केंद्रीय की बात आ जाए तो कटक उड़ीसा, दलहन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर, और गन्ना प्रजनन की बात करें तमिलनाडु के कोयंबटूर, कृषि की बात हो रही है तिरुचिरापल्ली जिसको त्रिची भी कहते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु के त्रिची अथवा त्रिचिरापल्ली में, तमिलनाडु के त्रिची अथवा तिरुचिरापल्ली में 11 का उत्तर सही। तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बताइए तवा नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तुरंत उत्तर आ जाएगा तवा नदी। इनमें से अगर आपको यह पता होगा कि तवा नदी इस नदी की सहायक नदी है, आप तवा बांध भी बता दोगे, क्योंकि तवा बांध जो है यह तवा नदी पर ही बना हुआ है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक है, नर्मदा नदी की सहायक। भाई तवा नदी किसकी सहायक है? नर्मदा नदी की सहायक है। और नर्मदा ना बिहार में, ना यूपी में, ना झारखंड में, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा तवा बांध भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध भी कहां पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। 12 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, 12 का उत्तर साथी डी आपका बिल्कुल सही है। इन टांकी अथवा नटांगी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, इन टांकी नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? इन टांकी नेशनल पार्क एक बार सभी साथी शेयर करके, आज सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठना। देखिए मणिपुर का अब सभी जानते हैं केबुल लामजो, इसके खासियत बताइए। केबुल लामजो, केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है ये एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा एक होता है मोलिंग, MOULING, और एक होता है नामदफा, मोलिंग और नामदफा। मेघालय का हो जाता है नोकरेक, ये बायोस्फीयर रिजर्व, और बलपकरम भी कह देते हैं ये मेघालय का। तो इन टंकी कहां का है साथी? नागालैंड का है। इन टंकी कहां का है? नागालैंड का। 80% का उत्तर गलत है, 80% का उत्तर गलत है। याद रखिएगा इन टंकी नेशनल पार्क कहां का है? नागालैंड का। मौलिक और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय नोकरेक, और बलपकरम मणिपुर का केबुल लामजो। 13 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है, 13 का उत्तर साथी है आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विनायक जी, जल्दी शुरू होगी। यूपी के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्लासों से एक भाग दी जाएगा। यूपी लेके बैठे रहोगे तो नंबर आएंगे तुम्हारे 38 प्रश्नों में से 8। यूपी 4 या 5 क्वेश्चन, 4 क्लासों में तबाह। अभी ध्यान दीजिए चीजों पर जो सामने चल रही है, समझे मेरी बात? याद रखिएगा साल 2007 में प्रियंक कानून गो, वर्तमान में इसके मुखिया हैं प्रियंक कानून गो, वर्तमान में NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसके मुखिया। 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य हैं? आप जानते हैं हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस में। हेडक्वार्टर कहां पर आ जाता है? फिलीपींस नामक देश में। इस स्थापना की बात करें तो 1966 में। इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में मसत सुगु अस्ताकावा करके, मसत सुगु अस्ताकावा करके इसके क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। आपसे सदस्य पूछे, याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य? 68 सदस्य, 68 सदस्य हैं, 68 सदस्य, 68। 15 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है?
लगभग विश्व की 70% जो हाथ से बनी फुटबॉल होती है उनका निर्माण पाकिस्तान के किस शहर में होता है? यह बताइए। उत्तर प्रदेश का एक शहर बताइए जो खेल सामग्री के लिए बहुत प्रसिद्ध हो। उत्तर प्रदेश का एक शहर जो खेल सामग्री के लिए बहुत प्रसिद्ध हो। उत्तर प्रदेश का एक शहर, मैं तभी कहता हूं कि तुम खुद को तबाह कर रहे हो। आपको यही नहीं पता सिलेबस को किस आधार से पढ़ना है। थोड़ा ध्यान दीजिए। साथी सियालकोट, पाकिस्तान के सियालकोट में, पाकिस्तान के सियालकोट में उत्तर प्रदेश का खेल सामग्री के लिए मेरठ 16 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। सियालकोट की बात कर रहे हैं। 17 जयवर्धने पूरे कोटे किस देश की विधायी राजधानी है? जयवर्धने पूरे कोटे किस देश की विधायी राजधानी है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है, इसको विधायी राजधानी भी कह सकते हो, इसको लेजिस्लेटिव कैपिटल भी कह सकते हो। इसकी दो कैपिटल है, एक जयवर्धने पूरे कोटे विधायी, एक कोलंबो। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है श्रीलंकन रूपी। मुद्रा क्या हो जाती है साथी? श्रीलंकन रूपी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए म्यांमार, नेपीडो करके इसकी राजधानी हो जाती है, मुद्रा हो जाती है क्या? भूटान की हो जाती है राजधानी थिम्पू, थिम्पू। और मुद्रा क्या हो जाती है साथी? नगुलट्रम। मुद्रा क्या जाती है? नगुलट्रम। बांग्लादेश राजधानी, राजधानी क्या हो जाती है? ढाका। मुद्रा हो जाती है टका। जयवर्धने पूरे कोटे श्रीलंका की विधायी राजधानी है। जयवर्धने पूरे कोटे ये किसकी विधायी राजधानी है? ये श्रीलंका की राजधानी है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन और साइबर अपराध टॉपिक है। यह कंप्यूटर जानकारी में दिल्ली पुलिस में भी आता है और सामान्य जानकारी पेट में भी आता है, सामान्य जानकारी वाला। इनमें से कौन सा सर्च, जैसे जिस पर हमको सर्च करें वो हमें जानकारी मिल जाए? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आर्पानेट, ये इंटरनेट का पूर्ववर्ती रूप था, आर्ची या गूगल। याद रखिएगा साथी, गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। 18 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। गूगल कैसा इंजन है? ये सर्च इंजन है। 18 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मंगोलिया की राजधानी बताइए। मंगोलिया की राजधानी आप सभी को बतानी है, मंगोलिया। मंगोलिया आप सभी जानते हैं रूस और चीन के बीच में, यह भू अवरुद्ध देश है। कैसा देश है? भू अवरुद्ध देश है। नोमेडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच में युद्ध अभ्यास होता है सेना के बीच में, नोमेडिक एलिफेंट। मंगोलिया की राजधानी देश के, देखिए ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। बिश्केक ये किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक ये किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक किर्गिस्तान की। उलान बटार ये मंगोलिया की राजधानी है। उलान बटार ये मंगोलिया की राजधानी है। 19 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। उलान बटार किस देश की राजधानी है? सभी लोग शेयर करके 3000 पार कीजिए सबसे पहले। उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है। टोगरोग इनकी मुद्रा हो जाती है, टोगरोग। जबकि ताशकंद उज्बेकिस्तान, नोमेडिक एलिफेंट भारत और उलान बटार में एक युद्ध अभ्यास होता है, भू अवरुद्ध देश है। बिश्केक किर्गिस्तान। 19 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 20 बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का मतलब क्या है? आईएफएससी में साथी एफ का मतलब क्या है? और एक चीज और आप यहां पर इसको याद कर सकते हो, यह कितने अंकों का होता है यह भी बताना है। इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, इसमें नंबर भी होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक। इसे कितने अंकों का होता है? ये 11 अंकों का होता है।
कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का। तो आईएफएससी में आपसे एफ पूछा है, क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। लिख लीजिए फुल फॉर्म, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। किसी भी माध्यम से, चाहे आप किसी को एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजें, या आप आरटीजीएस के माध्यम से, या आईएमपीएस के माध्यम से, आपको आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती है। बैंक के हिसाब से अलग होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एफ का मतलब क्या है साथी इसमें? फाइनेंशियल। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 20 का डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, ये किन देवता को समर्पित है? एक चीज यहां पर और नोट कर लेना, ये तीन मंदिर हैं जिनको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, और ये तीनों तमिलनाडु में। इनको कहते ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स, ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स इस नाम से। एक है राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर अर्थात वृद्धेश्वर मंदिर भी जिसे कहते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर, वो सुनाई दिया याद आया। दूसरा है साथी गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल जी के द्वारा। और तीसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। तब से यह भी पूछ सकता है कि ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स में से इनमें से कौन सा नहीं है? ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स में राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वीरूपाक्ष मंदिर भी पूछ लेता है, कर्नाटक का वीरूपाक्ष मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। 21 का उत्तर डी। लेकिन यदि रंगनाथ स्वामी मंदिर पूछ ले, रंगनाथ स्वामी मंदिर, तो ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है, दो कर्नाटक में एक तमिलनाडु में। 21 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? यह पुरस्कार जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अवार्ड जीता है उनके पदक विजेताओं को दिया जाता है। सभी लोग उत्तर दीजिए। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ही ये शामिल है। 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। किसकी जयंती होती है? आप कहोगे मेजर ध्यानचंद जी की जयंती या बर्थडे है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021, मतलब पिछली बार अचंत शरद कमल जी को मिला 2022 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। 25 लाख रुपए का पुरस्कार है। पहले विजेता थे विश्वनाथ आनंद, 1991-92 से शुरू हुआ, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न से नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद। ये चार वर्ष की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। जिस साल ये दिया जा रहा है उसके पिछले चार वर्ष। एक है केवल ध्यानचंद, केवल ध्यानचंद अवार्ड जो है, केवल ध्यानचंद साल 2002 से दिया जा रहा है। याद रखिएगा 10 लाख रुपए का पुरस्कार है। ये खेल में ये प्लेयर्स को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इसलिए कोच के लिए जो दिया जाता है वो दो प्रकार का पुरस्कार है। द्रोणाचार्य की दो कैटेगरी है। जो पुराना द्रोणाचार्य है वो साथी 1985 से
ये चार वर्ष के लिए ही दिया जाता है और पिछले चार वर्ष में किसी खिलाड़ी ने कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हो तो उसके कोच को 10 लाख और जो 2011 से शुरू हुआ है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है 15 लाख रुपए। किसी कोच ने पिछले 20 वर्ष में जो योगदान दिया है खेल में, तो द्रोणाचार्य अवार्ड की भी दो कैटेगरी होती है, अच्छे से याद रखेगा। जबकि अर्जुन पुरस्कार 15 लाख 1961 से, द्रोणाचार्य की जो नियमित कैटेगरी है उसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये नियमित कैटेगरी है, और जो लाइफ टाइम वाली होती है ये 15 लाख। 22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, द्रोणाचार्य अवार्ड। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे? चंदन जी जरूर आएगी, जरूर। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे? इसे उतार जरूर लेना अपने हाथ से बच्चा। और ये जितने प्रकार के द्रोणाचार्य खेल और उनके पुरस्कार विजेता, अवार्ड और पुरस्कार विजेता जरूर पेपर में आते हैं, पुस्तकें, पर्यटन स्थल, संस्कृति, दिन दिवस, ऐसा कोई पेपर दिए जिसमें ना आते हो, ध्यान दीजिएगा। एजेंडा 2021 एक डॉक्यूमेंट था, 12 जून 1992 की है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कह सकते हो, या प्रथम अर्थ समिट भी कह सकते हो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ। कहां पर? ब्राजील में, जिसको रियो समिट भी कहते हैं। दो तो अंतरराष्ट्रीय समझौते हस्ताक्षर के लिए रखे गए और 3 वहां से डॉक्यूमेंट निकले, उनमें एक एजेंडा 21 भी था। यह सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है साथी? सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। याद रखिएगा, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक प्राप्त करने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य दिए हैं अपने सभी सदस्यों को, जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। तो यह भी पूछ लेगा, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? सतत विकास लक्ष्यों की संख्या है 17। सतत विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त करने? साल 2030 तक। एजेंडा 21 ये दस्तावेज है, ये किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है, सतत विकास से। 23 का उत्तर सी, भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख, 5 प्रश्न पूछूंगा, अगर एक का भी गलत उत्तर दे दिया जनगणना में, कोहनी मार के रीढ़ की हड्डी चटका दूंगा आज। ये बताइए, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना 7वीं अनुसूची में किस लिस्ट का विषय है? जनगणना एक्ट कब आया? भारत में प्रथम जनगणना का कार्य और प्रथम पूर्ण जनगणना ये कब हुई? कौन सा मंत्रालय जनगणना से संबंधित है? जनगणना से संबंधित मंत्रालय, जनगणना से संबंधित मंत्रालय बताइए सभी लोग, जनगणना से संबंधित मंत्रालय। तो देखिए, जनगणना ये संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है, संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय? संघ सूची। तो जो लोग समवर्ती उत्तर दे रहे हैं, बस तुम बच गए, दूर है इसलिए बच रहे हो। 1948 में जनगणना अधिनियम आया, पहली जो की गई 1872, संपूर्ण 1881 पहली दशकीय भी, जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसी के अधीन एक पद होता है, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बताइए वर्तमान में कौन है और 1881 में कौन थे? तो JC W क्लोडीन करके 1881 में थे, वर्तमान में मृत्युंजय तिवारी या नारायण कुछ करके नाम है। तो याद रखिएगा, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, ये गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है, जनगणना विभाग। इसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ये भारत के महारजिस्ट्रार जनरल
और जनगणना कमिश्नर होते हैं। कौन होते हैं साथी? जनगणना आयुक्त या जनगणना कमिश्नर? डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष, अखिल भारतीय, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ही किसानों से संबंधित एक शाखा थी, किसानों से संबंधित ऑल इंडिया किसान सभा। सबसे पहले क्या था, 1921 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा। बाद में साथी इससे निकलकर एक अवध किसान सभा बनी, बाबा रामचंद्र जी के द्वारा प्रतापगढ़ में, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने, पूछ लेता है बाबा रामचंद्र प्रतापगढ़ में, इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के, ये लिख लीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके मुखिया थे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके मुखिया थे। जबकि आपसे अवध किसान सभा पूछ सकता है, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र प्रतापगढ़ में, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र समझे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1917 में मोतीलाल नेहरू, 1917 लिखिएगा, उत्तर प्रदेश कमल 1917, अवध किसान सभा 1920 बाबा रामचंद्र, ये मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी इत्यादि के सहयोग से। तो 25 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, स्वामी सहजानंद। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं यहां से बेटा, थोड़ा फास्ट क्या तेज ही चल रहा हूं मैं, तो थोड़ा आप लोग भी लिखते रहिएगा, ये केवल देखने के लिए नहीं है, मुश्किल में पड़ जाओगे नहीं तो। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजेश कादिर की संरक्षिता के तौर पर, बेगम हजरत महल, एक मौलवी अहमदुल्ला था, उसका भी लखनऊ में, उनका भी लखनऊ में महत्वपूर्ण योगदान था। कुंवर सिंह जी आरा बिहार में, कुंवर सिंह जी आरा बिहार में, बरेली में खान बहादुर, बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान, कानपुर में तात्या टोपे, कानपुर में तात्या टोपे जी, तात्या टोपे नाना साहब, लियाकत अली इत्यादि, लियाकत अली इत्यादि। 26 का उत्तर याद रखिएगा, बी आपका बिल्कुल सही है, बी आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है, बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। 26 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, 26 का उत्तर साथी भी आपका बिल्कुल सही है, भी आपका बिल्कुल सही है। 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त? देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये तीन सिस्टम थे लगान वसूलने के, बंगाल इत्यादि में स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी सेटलमेंट भी कहते, इस्तमरारी या इजारेदारी व्यवस्था भी कह देते। मद्रास इत्यादि में कौन सा था? रैयतवाड़ी। मद्रास इत्यादि में कौन सा था? रैयतवाड़ी। और जो उस समय का उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उसमें था मालवाड़ी। रैयतवाड़ी मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा, और महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, एक बर्ड कर करके व्यक्ति था मार्टिन बर्ड, इनके द्वारा। बाद में इसी को कितने विलियम बेंटिक ने आगे बढ़ाया,
बाद में इसको किसने आगे बढ़ाया? विलियम बेंटिक ने। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कार्नवालिस ने भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 27 का उत्तर लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, रैयतवाड़ी मद्रास ये मुनरो ने, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी एक बर्ड बर्ड करके व्यक्ति था, और तीसरा था इसमें आगे जाकर क्या नाम है इसका, बेंटिक। इसमें 27 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 27 का उत्तर भी, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर स्थित है? पंचमहल कहां पर स्थित है साथी? बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए यार, तुम्हारे ना कुछ भरमा टेढ़ा है। बिना किसी कॉस्ट के बढ़िया क्लास चल रही है, लेकिन जी निकल जाता है। चलिए देखिए, यदि हम बात करें अकबर के द्वारा, तो अकबर ने आगरा में किला बनवाया। आगरा का लाल किला, दिल्ली में भी लाल किला है, आगरा में भी एक फोर्ट है, आगरा फोर्ट जिसको कहते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। अकबर ने अजमेर में अकबरी किला बनवाया। इसी अकबरी किले में याद रखिएगा, जहांगीर की मुलाकात ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत थॉमस रॉय से हुई और व्यापार की अनुमति मिली। फतेहपुर सीकरी जोधाबाई का महल, जोधाबाई महल, इबादत खाना, यहीं पर याद रखिएगा, सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा, दो क्वेश्चन पूछूंगा, या तो तुम उत्तर दे दोगे या फिर तुम बहुत ही बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। ये बताइए, बुलंद दरवाजा किसकी नकल है? बुलंद दरवाजा किसकी नकल है? और मुझे बताइए, अकबर की कितनी राजधानी रही थी? अकबर जब था उसके शासन काल में कितनी राजधानी, कितने अलग अलग शहरों को उसने राजधानी बनाया था? सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, बुलंद दरवाजा ये एक अतारकीन का दरवाजा है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। अतारकीन के दरवाजे की नकल है, अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया, उसी की नकल करके बुलंद दरवाजा। अकबर की आगरा भी राजधानी रही, कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी, और एक और चीज यहां पे नोट कर लीजिएगा, लाहौर भी कुछ समय के लिए अकबर की राजधानी रही है। पंद्रह सौ निन्यानवे के आसपास। कुलदीप जी चल रही है बेटा, भी जितना हुआ उसको खींच लो, समझे। अलाई दरवाजे की नहीं, अतारकीन के दरवाजे की नकल है। राजस्थान के नागौर में अतारकीन का दरवाजा है, आगरा भी रही है, फतेहपुर सीकरी भी, ये क्वेश्चन आ चुका है, लाहौर भी कुछ समय के लिए रही है। 28 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 29, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य इनमें से कोई नहीं थे। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? ये बातें 29 अगस्त 1947 की आजादी के बाद में भारत की संविधान की मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। एक अध्यक्ष से 6 सदस्य, कुल 7। बाबा साहब अध्यक्ष, 6 व्यक्ति। भाई मोहम्मद सादुल्ला भी थे, अयंगर भी थे, के मुंशी भी थे, लेकिन ये ए बी ठक्कर करके नहीं थे। के मुंशी, सादुल्ला, अयंगर, अय्यर, एन माधवराव और टी किशनमाचारी बीएल मित्र के स्थान पर,
और खेतर के स्थान पर टी कृष्ण चारी और एक और तेसारी असाती अय्यर अय्यर करके तीन तीन छह और एक सात। 29 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, ए भी टक्कर नहीं थे। कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, कौन सा भाग? देखिए वैसे नंबरिंग के हिसाब से भारत के संविधान में भाग 22 है, लेकिन 4 ए 9 ए और एक और है साथ ही शायद 14 है, एक और ए करके है कुछ ए, तो वैसे कितने हो जाते गिनती में 25। वैसे अगर आप देखोगे तो 22 ही है, जिसमें भाग 9 पंचायती राज, भाग 9 पंचायती राज, 9 बी वाला भी तो असल। इधर देखोगे भाग 6 इसमें आ जाते हैं राज्य, सातवें वाले को हटा दिया गया है। 4 में आ जाते हैं डीपीएसपी, 5 में आ जाती है संघ, 3 में आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, 11 में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ध्यान दीजिएगा ये कौन सा भाग राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश से, ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कौन सा है, 8वां। 30 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है कि अकादमिक मिलिट्री इत्यादि उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभी लोग उत्तर दीजिए साथी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 23 में बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध, बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध। 22 में आ जाते हैं निवारक निरोध इत्यादि, निवारक निरोध इत्यादि। अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप का, तेलंगाना का पूछ लेता है अलग अलग। अब देखो कि बेशक उत्तर प्रदेश दिल्ली पुलिस इनके पेपर हो, लेकिन वो इस तरह राज्य की चीजें पूछता है, राज्य की चीजें, ये सब हम लोग मंजिल बैच में पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस में, इनके लिए भी पढ़ेंगे, पेट के लिए भी, कॉन्स्टेबल के लिए भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा भैया, वुड पिजन करके जो है अंडमान, वुड पिजन अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाती है, 32 का उत्तर भी। द्वीप समूह टियरा डेल फुओगे किस महाद्वीप में स्थित है, टियरा डेल फुओगे। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन, इस चीज को याद रखिएगा, टियरा डेल फुओगे किस महाद्वीप में। ये मैं आपको हिंट दूं, चिली और अर्जेंटीना के बीच में बसा हुआ है, चिली और अर्जेंटीना के बीच में बटा हुआ है, कुछ हिस्सा चिली का कुछ हिस्सा अर्जेंटीना का। सोचो चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप में, अफ्रीका में तो है नहीं, यूरोप में भी नहीं है, उत्तरी अमेरिका में भी नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी स्ट्रेट ऑफ मेगालान के पास, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्ट्रेट ऑफ मेगालान के पास। 33 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 34 भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। देखिए पनामा नहर की बात करें तो एक तरफ हो जाता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ये ओशन की बात आ गई, महासागर की बात आ गई, और दूसरी तरफ हो जाता है प्रशांत महासागर, संसार का सबसे बड़ा महासागर, ये आ जाती है पनामा नहर। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। 34 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है।
34 का उत्तर साथी बी आपका बिल्कुल सटीक है। 35 हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। बहुत शाबाश। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, दक्कन के पठार में। किस में? डेक्कन प्लेटू पे स्थित है, दक्कन के पठार में स्थित है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद का एक जुड़वा शहर बताइए, हैदराबाद का एक जुड़वा शहर बताइए। तेलंगाना की राजधानी है, सिकंदराबाद इसका जुड़वा शहर है। सिकंदराबाद इसका जुड़वा शहर है। राजकीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या है? पीएचआर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, धारा 3 एनएचआरसी का गठन केंद्र सरकार करेगी, नियुक्ति राष्ट्रपति धारा 4 में करते हैं, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, होल टाइम मेंबर, पूर्णकालिक सदस्य और 7 संस्थाओं के अध्यक्ष पदेन सदस्य। अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या है? एक चीज तो क्लियर है, अध्यक्ष रिटायर्ड होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुआ हो या फिर वो कोई अन्य जज के पद से रिटायर हुआ हो सुप्रीम कोर्ट का हो रिटायर्ड, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से या फिर अन्य जज के पद से। तो याद रखिएगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट का, और हो कैसा साथी? रिटायर्ड हो। ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया, सबसे बड़ी संस्था जो है भारत में प्रबंधन से संबंधित, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी। हम एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। कोई आपदा के समय पर, विपत्ति के समय पर ये रेस्क्यू करने वाला इस प्रकार का बल है। इसकी स्थापना साल 2006 में की गई। एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई साथी? साल 2006 में। यह अधिनियम 2005 में है। मॉड वेट का पूर्ण रूप क्या है? 1986 में जब आप जीएसटी पढ़ोगे ना, मैं जीएसटी शुरू करूंगा रणभूमि में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी रणभूमि में, दिल्ली पुलिस की मंजिल और पेट की पेट फाउंडेशन में, सिलेबस अलग है, इसरे तीनों बैच अलग है। तो जीएसटी शुरू करूंगा, प्रॉपर एक एक चीज को लेकर आऊंगा। जब जीएसटी के इतिहास पढ़ेंगे, मॉड वेट भी पढ़ेंगे, स्टैंड वेट भी पढ़ेंगे, फिर जीएसटी पर वेट पर आएंगे। तो मॉड वेट करते हैं मॉडिफाइड वैल्यू एडिटेड एडिटेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडिटेड टैक्स, मॉडिफाइड वेट भी कह सकते हो। इसके बाद में आया स्टैंड वेट, इसके बाद में क्या आया? स्टैंड वेट, फिर आया वेट, फिर इन सबको हटा के क्या आया? जीएसटी। 38 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 39 इनमें से कौन सी एक करेंसी नहीं है? इनमें से कौन सी एक मुद्रा का स्वरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक करेंसी नहीं है? सक्सेस क्लास भी अच्छी है, उसमें इतनी ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाए, तुम एक बार मानवाधिकार की क्लास ले लो, पूरे भारत में कहीं तुलना कर लेना। अरे वो 200-300 रुपए का अंतर है, जब लाइव क्लास को ज्यादा देगा तो उसका खर्चा भी ज्यादा होता है। दुनिया भर के टैक्स है गवर्नमेंट के, सिक्के भी होते, कागज नोट भी होते, डिजिटल करेंसी भी तो है, क्रेडिट कार्ड, ये साथी प्लास्टिक मनी कही जाती है, ये करेंसी मनी की फॉर्म में नहीं है। 39 का उत्तर सी। ये सब पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे डिमोनिटाइजेशन वाले पार्ट में। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय
कित क्या मनी होती है, कौन छापता है, किस अधिनियम के तहत, अधिकतम वैल्यू क्या है, सब कुछ। बहुत बढ़िया साथी, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय आप सभी जानते हैं, बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? 1975 में अल्बुकर्क करके एक जगह है न्यू मेक्सिको में स्थापना इसकी की गई। वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन के रेडमंड में, कहां पर? वॉशिंगटन के रेडमंड में, वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया में गूगल इन सब का है, गूगल का है, मेटा का है, जबकि सैन फ्रांसिस्को ये ट्विटर का है, सैन फ्रांसिस्को ट्विटर का है, ट्विटर अब तो फिर एक्स हो गया, एक्स हो गया। 40 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अब सभी अपने स्कोर बताइए, क्या 40 में से आपका स्कोर कितना है? फिर से बता दूं, सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, फिर प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन पर नजर मारिए कि कहां किसके कोर्स में से पूरा का पूरा पढ़ाया जा रहा है। आपको जबरदस्त मैटर मिलेगा, कम से कम दोगुना। इसलिए कह रहा हूं कि आप इग्नोर मत करना, आप एक बार उससे पढ़िए अच्छे से, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूपी कांस्टेबल के लिए रणभूमि, दिल्ली पुलिस के लिए मंजिल, और यूपी ट्रिपल एससी पेड फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कल फिर मुलाकात होगी। इस क्लास को नोट किया कीजिए छोटा छोटा, उसको रिवाइज किया कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।